हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदयानंद भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज दोस्तों हम ट्रेड थ्योरी का मॉडल पेपर 10वां लेकर के आए हैं। इससे पहले 9 मॉडल पेपर को डाल चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप चाहे तो उसे एक एक करके देख सकते हैं। तो आपके होने वाले सीबीटी एग्ज़ाम में यह जो क्वेश्चन है बहुत ही सहूलियत होगी एग्ज़ाम देने में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और यह जो चैप्टर है वो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से ली गई है। तो प्रीवियस वीडियो की भांति ही हम केवल राइट ऑप्शन को देखेंगे, उसके अलावा इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में भी जानेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, परमाणु में 3 कण पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा, परमाणु में जो 3 कण पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। ठीक है, अब बात हुई है परमाणु की, तो परमाणु के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। परमाणु जो होती है किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण होती है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेती है, उसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु के जो नाभिक में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक में होते हैं। कई बार इसको एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि परमाणु के जो नाभिक में होते हैं कौन कौन से कण पाए जाते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं इसके नाभिक में होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके बारे में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप अपनी नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके अलावा ईंट पर नाच, ये जो प्रचलित ट्रिक है ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक तांबे के अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तांबा यानी कि बात हुई है कॉपर की, ठीक है। इसका जो संकेत होती है तांबा का Cu से डिनोट करते हैं। इसका सीरियल नंबर की बात करें तो इसका सीरियल नंबर 29 होती है, और सीरियल नंबर का मतलब कि परमाणु क्रमांक किसकी 29 होती है। और मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक बिंदु जो होती है इसकी कॉपर की 1083 यानी कि 1083 डिग्री सेल्सियस होती है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, कहीं कहीं एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि जो तांबा का जो गलनांक बिंदु होती है कितना होती है। और इसका जो भार होती है 63.5, ठीक है, 546, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये इसका भार होती है 63.546, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, विद्युत आवेश की मात्रा Q ज्ञात करने का सूत्र क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विद्युत आवेश की मात्रा Q ज्ञात करने की जो फॉर्मूला होती है Q बराबर I इंटू टी होती है। Q बराबर जो होती है वो आवेश होती है, I जो होती है धारा होती है, और T जो होती है टाइम होती है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके। इसके अलावा बात हुई है आवेश की, तो आवेश के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। आवेश जो होती है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु में आकर्षण या विकर्षण का अनुभव कराती है या करती है, उसे हम आवेश कहते हैं। आवेश की जो मात्रक होती है कूलम्ब होती है, SI मात्रक जो होती है कूलम्ब होती है, और CGS में इसका जो मात्रक होती है स्टेट कूलम्ब होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, SI मात्रक पूछेगा तो आप कूलोंग बोलेंगे, SI मात्रक जो होती है इसका कूलाम्ब होती है। और CGS पत्ती में अगर इसका पूछ देता है CGS पत्ती में, तो स्टेट कूलोंग होती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, स्टेट कूलोंग। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होने पर क्या क्या कहलाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा उसे हम कूलम्ब कहते हैं। 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड में प्रवाहित होती है उसे हम कूलम्ब कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा सी के साथ चला जाएगा। बात हुई है कूलम्ब की, तो थोड़ा सा कूलम्ब के एक नियम है उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जब कोई दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे के r दूरी पर स्थित है तो उसके बीच लगने वाला जो बल होती है वैद्युत आकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसलिए इसको आप नियम को भी ध्यान में रखिएगा। कूलम्ब के नियम के द्वारा जो व्यंजक प्राप्त होती है
उसके द्वारा दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच का बल भी ज्ञात किया जा सकता है। तो आप ध्यान में रखिएगा, इसकी जो व्यंजक होती है कूलम्ब के नियम का सूत्र का व्यंजक, वो आप कमेंट बॉक्स में अगर पता होगा तो जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत आवेश की मात्रा की एसआई इकाई क्या होती है, एसआई मात्रक क्या होती है। विद्युत आवेश की मात्रा की जो एसआई मात्रक होती है उसे हम कूलम्ब कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा डी के साथ चला जाएगा। विद्युत आवेश की मात्रा की एसआई मात्रक जो होती है वो कूलम्ब होती है। ये जो एम्पियर है वो विद्युत धारा की एसआई मात्रक होती है, और विभवांतर की एसआई मात्रक वोल्ट होती है, और विद्युत ऊर्जा का जो यूनिट होती है एसआई मात्रक होती है वो वाट घंटा होती है। वाट घंटा को जन सामान्य भाषा में यूनिट के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए आप ये महत्वपूर्ण पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का जो विभव होती है वो धनात्मक होती है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा छठा का ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत धारा स्थापित करने की न्यूनतम आवश्यकताएं क्या हैं। तो विद्युत धारा स्थापित करने का जो न्यूनतम आवश्यकता होती है वोल्टेज स्रोत और चालक होती है, इसलिए इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, 7वां का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब धारा इलेक्ट्रोलाइट से पास होती है तब धारा किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगी। इसका राइट आंसर होगा, जब धारा इलेक्ट्रोलाइट से पास होती है तो धारा जो उत्पन्न प्रभाव करेगी उसको हम रासायनिक प्रभाव के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो 8वां का हो जाएगा सी हो जाएगा। कहीं कहीं एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि रासायनिक प्रभाव का खोज किसने किया था, तो माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसका आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9, विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास होती है, यानी कि हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पर विद्युत है। तो उसकी चमकने से, उत्पन्न प्रभाव से, विद्युत झटके से, चटकने से, तो इसका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। उसके उत्पन्न प्रभाव से हम जान जाएंगे कि यहाँ विद्युत का जो धारा की उपस्थिति है या नहीं, इसलिए इसका उत्पन्न प्रभाव से राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, धारा के तीन प्रमुख प्रभाव कौन कौन से हैं। इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं दोस्तों, अगर आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे देंगे, आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। धारा के जो तीन प्रभाव होती है, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। इसके बारे में फुल डिटेल्स बताए हुए हैं, आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, 2-3 मिनट का है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, अकार्बनिक पदार्थों में अधिकांश रासायनिक क्रियाएं के रूप में होती हैं। जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उसमें जो रासायनिक क्रिया होती हैं किसके द्वारा संपन्न होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 11 का बी हो जाएगा, आयनीकरण के द्वारा संपन्न होती हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा 11 का वो हो जाएगा बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, जब धारा एक चालक से प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, इस प्रभाव को क्या कहा जाता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह गर्म होकर के लाल हो जाता है, तप्त हो जाता है, इस प्रभाव को हम तापीय प्रभाव के नाम से जानते हैं। इस प्रभाव पर आधारित जो उपकरण होते हैं वो विद्युत प्रेस होते हैं, हीटर होते हैं, तो आप इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ऊष्मा की इकाई को डॉट डॉट व्यक्त किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जो ऊष्मा की इकाई होती है वो कैलोरी होती है, आप ध्यान में रखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ऊष्मा की एसआई मात्रक जो होती है कैलोरी होती है, और ऐसे होती है इसकी एसआई मात्रक ऊष्मा को जूल में व्यक्त किया जाता है, एसआई यूनिट जूल होती है, और
अंतर्राष्ट्रीय यूनिट में इसका जो मात्रक होती है कैलोरी होती है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, न्यूनतम एक इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ के परमाणु में होती है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, हाइड्रोजन जो होती है उसमें परमाणु की संख्या जो होती है न्यूनतम होती है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन होती है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन का जो खोज किए करने वाले वैज्ञानिक थे हेनरी कैंडविस ने की थी। हाइड्रोजन का खोजकर्ता कहीं कहीं पूछ देता है एग्जाम में, तो हेनरी कैंडविस ने किया था, इसको आप ध्यान में रखिएगा, हेनरी कैंडविस, ठीक है। और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या की बात करें तो एक होती है, और इसकी परमाणु भार की बात करें तो 1.008 होती है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई दूंगा सही है या गलत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1 जूल प्रति सेकेंड डॉट डॉट होती है, यानी कि 1 जूल प्रति सेकेंड 1 वाट के बराबर होती है, इसलिए इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, 1 वाट, 1 जूल प्रति सेकेंड 1 वाट के बराबर होती है। 1 जूल बराबर जो होती है 10^7 अर्क के बराबर होती है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होती है, 1 वाट घंटा बराबर, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, 1 वाट बराबर 3600 जूल और 1 जूल बराबर 10^7 अर्क होती है। वाट को हम W से निरूपित करते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, समानांतर क्रम में संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना होती है, यानी कि उसका जो अगर हम कोई भी प्रतिरोध रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे समानांतर क्रम में तो उसका प्रतिरोध जो कुल प्रतिरोध होगी वो कितना होती है? तो कुल प्रतिरोध जो होती है घटती है, इसलिए इसका राइट आंसर समानांतर क्रम में घटती है, और श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध जो होगी वो बढ़ती है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा 16 का बी हो जाएगा। कहीं कहीं श्रेणी क्रम से भी पूछ दिया जाता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध का मान बढ़ता है घटता है क्या होता है इससे संबंधित, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। श्रेणी क्रम में जो मान होती है प्रतिरोध का वो बढ़ती है, और समानांतर क्रम में इसका जो मान होती है प्रतिरोध का घटती है, इसलिए इसका राइट आंसर 16 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है, यानी कि ये जो पदार्थ दिया हुआ है उनमें से कौन सा विद्युत के सुचालक हैं, जिसका राइट आंसर जो होगा ग्रेफाइट हो जाएगा सी। 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ग्रेफाइट को काला शीशा या प्लगबो के नाम से जाना जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल तथा परमाणु शक्ति में रिएक्टर के रूप में किया जाता है, तो ग्रेफाइट होती है उसमें अशुद्धि के रूप में सिलिका या सिलिकेट मिली होती है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है अचालक नहीं है? तो अचालक के जो अंतर्गत होती है वो कार्बन नहीं होती है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा, कार्बन। कार्बन का जो संकेत होती है सी होती है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होती है, और इसका सीरियल नंबर की बात करें तो परमाणु क्रमांक 6 होती है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा लचीला अचालक नहीं है? नहीं है वो पूछा है, तो इसका राइट आंसर जो है फाइबर। फाइबर जो होती है वो लचीला पदार्थ नहीं होती है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा 19 का ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घटती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कार्बन, एक ऐसा पदार्थ है जिसका तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटती है, इसलिए इसका राइट आंसर जो 20 का हो जाएगा बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, अच्छे चालक का क्या गुण होनी चाहिए? तो अच्छे जो चालक होंगे, अच्छे चालक जो पदार्थ होते हैं उनमें तन्यता, सुदृढ़ता, अघातेवरता, ये सभी गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा,
सभी चालक पदार्थ में ये सभी गुण पाए जाते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, थोड़ी सी क्वेश्चन नंबर 21 के लिए हम जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तन्यता जो होती है, किसी पदार्थ को तार के रूप में ताना जा सकता है, उसे हम तन्यता कहते हैं। आघातीयता, किसी भी धातु को हम पीटने पर जो चादर के रूप में फैला सकते हैं या फैल जाता है, उसे हम आघातीयता कहते हैं। ये दो पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? तो ये आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर जो तांबा है विद्युत का सुचालक है, बाकी जो पदार्थ सुचालक नहीं है, कुचालक हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, विद्युतीय चालक पदार्थ इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो विद्युतीय चालक जो है इनमें से नहीं है, तो तांबा विद्युत का चालक होती है, अल्मोनियम भी होती है, चांदी भी होती है, अबरक जो होती है विद्युतीय चालक नहीं होती है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा 23 का। बात हुई है अबरक की, तो थोड़ा सा अबरक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अबरक जो होती है एक जटिल सिलिकेट यौगिक होती है, जिसमें पोटेशियम, सोडियम और लिथियम जैसे क्षारीय पदार्थ मिलकर बने होते हैं। अबरक में जो गुण होती है वो नमी और अग्नि से अप्रभावित रहने वाला गुण पाई जाती है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण अचालक पदार्थों में से एक मानी जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में, अबरक के बारे में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 24, पीवीसी चालक के डॉट डॉट वर्ग से संबंधित है, यानी कि पीवीसी जो चालक होती है वो किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट जो आंसर होगा 24 का, वो द्रव्य चालक यानी कि लिक्विड इंसुलेटर के अंतर्गत आती है। लिक्विड इंसुलेटर के अंतर्गत और पदार्थ आते हैं जैसे खनिज तेल, पीवीसी, माइकानाइट, रेजिन, ये सब जो होते हैं पदार्थ वो द्रव्य चालक के अंतर्गत आते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो है वो लचीला पदार्थ नहीं है? तो लचीला पदार्थ नहीं है ये पूछा गया है, ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हम ऊपर में ही सॉल्व किए हैं, इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, जो फाइबर जो है वो लचीला पदार्थ नहीं है। ये संपूर्ण क्वेश्चन हम 25 को सॉल्व किए और ये मेरा पार्ट 10 था। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए। इसका PDF लिंक हम टेलीग्राम ग्रुप पर दे दी है, आप चाहे तो वहाँ पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।